ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? ओवर लोडिंग। देखिए, ओवरलोडिंग क्या होता है? जब किसी सर्किट में एक परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा, एक जितनी सर्किट की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट ले ली जाती है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि एक मीटर बॉक्स पर आप देखिए कितने सारे अप्लाइंसेज लगे हुए हैं, है ना। तो क्या होता है कि परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा जब भी करंट ले ली जाती है किसी सर्किट से, उसकी लिमिट से ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की वजह से कभी कभी वोल्टेज कम हो जाता है, स्पार्किंग हो जाती है, कई चीज़ें फूक जाती हैं, धुआं निकल जाता है, ये सारी की सारी प्रोसेस आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में जो फेसेस चलते हैं, जो आपके खंभों पे वायर लगे होते हैं, पोल्स पे अलग अलग फेस होते हैं, तो कभी एक ही फेस पे अगर बहुत सारे घरों की पावर सप्लाई दे दी जाती है तो उस फेस का वोल्टेज कम होता है, ये भी ओवरलोडिंग की वजह से ही होता है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है।